गिरिराज सिंह को विपक्षी दलों में दिखा उसामा। संबित पात्रा भी कर चुके हैं विपक्ष की हाफिज से तुलना। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के बाद अब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एकजुट हो रहे विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को विपक्षी दलों की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर डाली। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विपक्षी दलों के एकजुट होने के बावजूद विकास के मुद्दे पर चल रहा एनडीए गठबंधन 2019 का लोकसभा चुनाव जरूर जीतेगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि माओवादी, जातिवादी, सामंतवादी और ओसामावादी सभी राष्ट्रवादी गठबंधन एनडीए के खिलाफ एकजुट हो गए हैं, लेकिन विकास की अविरल गंगा में बहते हुए एनडीए की नाव नियत गति से 2019 का पड़ाव अवश्य पार करेगी। इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने महागठबंधन की तुलना पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद से की थी। संबित पात्रा ने लिखा कि नरेंद्र मोदी को केवल महागठबंधन और हाफिज सईद रोकना चाहते हैं। उन्होंने आतंकी संगठन जमात उद दावा प्रमुख और पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद का एक वीडियो ट्वीट किया था। इस वीडियो में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए और धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को पोस्ट करते हुए संबित ने कहा था कि केवल अब तक नहीं बन पाया महागठबंधन ही नहीं, बल्कि ऐसे और भी हैं जो शिद्दत से मोदी को भारत का पीएम बनने से रोकना चाहते हैं। अब मेरे भाई, कश्मीर पाकिस्तान बन के रहेगा इंशाल्लाह। और मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में ये कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा, तेरी जुबान इंशाल्लाह हम खींच के रहेंगे। आपको बता दें कि उपचुनावों में विपक्षी एकजुटता ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। कैराना और नूरपुर सीट हारने के साथ साथ बीजेपी की कई सीटों पर विपक्षी दलों ने कब्जा जमाया। इससे पहले कर्नाटक में भी विपक्षी एकता की वजह से बीजेपी की सरकार ढाई दिन में ही गिर गई थी। ऐसे में इस महागठबंधन को 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।